फाइटर मूवी देखना चाहते हो जो कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड अनिल कपूर की लेटेस्ट मूवी है, अगर इस मूवी को आप मोबाइल फोन पर देखना चाहते हो, ऑनलाइन देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर चले जाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है IMDB। उसके बाद ये वाला जो एप्लीकेशन आ जाएगा इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, IMDB मूवीज एंड TV शोज। उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट मूवी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे सर्च पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फाइटर लिख करके सर्च करना है, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऊपर में फाइटर मूवी आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस मूवी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो ऊपर में फाइटर मूवी लिखा हुआ है और अभी तक ये रेटेड नहीं किया हुआ है और 2 घंटा 46 मिनट की मूवी है, ठीक है। उसी के नीचे यहाँ पर ट्रेलर शो कर रहा है, नीचे आएंगे तो नीचे मूवी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के नीचे आएंगे तो देख सकते हैं अभी ये मूवी जो है वो थिएटर में चल रही है, मूवी रिलीज हो चुकी है, थिएटर में आ चुकी है। एंड ये मूवी अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो देख सकते हैं नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे स्टार कार्ड्स के बारे में दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्टर राइटर के बारे में बताया गया है। तो अगर आप इस मूवी को ऑनलाइन देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर देखना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी ये मूवी जो है वो थिएटर में चलेगा कम से कम यहाँ पे 45 से लेकर 60 दिनों तक। उसके बाद ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा, इसका OTT राइट जो है वो नेटफ्लिक्स पर है और नेटफ्लिक्स के साथ इसका डील हो चुका है। तो ये आपको 50 से 55 दिनों के बाद या फिर 45 से 60 दिनों के बाद आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर इस मूवी को आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आप फिलहाल में देखना चाहते हो तो फिलहाल में इस मूवी को आप लोग थिएटर में जाकर के देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अपडेट इन्फॉर्मेशन था इस मूवी से रिलेटेड जो कि आप लोगों के बीच में शेयर करना था। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो